हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो इस वीडियो में बात करूँगी कि मैं घर पर सानवी को ओरल मोटर एक्सरसाइजेस कैसे कराती हूँ। ओरल मोटर एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो टंग, लिप, जॉ, वोकल कॉर्ड की मसल्स को टोन्ड और स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। इससे बच्चे की स्पीच, ड्रिंकिंग, फीडिंग इन सब में हेल्प मिलती है। सानवी 2.5 साल की थी तब से ये सारे एक्टिविटीज़ मैं उसे घर पे करा रही हूँ। और आपने मेरे पहले के जो वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि सानवी अब जाकर वो डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर के जो फूड हैं उन्हें वो ट्राई कर रही है। तो इस तरह के ओरल मोटर एक्सरसाइजेस से ना केवल बच्चे की स्पीच में हेल्प मिलती है बल्कि उसके जो सेंसरी इंटीग्रेशन और टेक्टाइल्स इशूज होते हैं उस पर भी हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, सानवी के जो वोकल कोड से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं ना वो है जैसे कि अ, आ, ई, ए, यू, ये वोकल कोड से ये साउंड सारे निकलते हैं, वो सानवी के हैं। बट जो साउंड्स हम लिप और टंग के मूवमेंट से निकालते हैं ना, लाइक श, लाइक इस तरह के जो साउंड्स हैं ना वो सानवी के अभी भी नहीं है। तो और ये सारे साउंड जो होते हैं ना वो जब ब्लोइंग पर हम काम करते हैं, ब्लोइंग आने लगती है तब ये सारे साउंड बच्चा निकाल पाता है, ठीक है। और इसलिए जो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होते हैं ना उस पर हम ब्लोइंग पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि ब्लोइंग आएगा उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन बच्चे को आती हैं। तो ब्लोइंग के जो एक्सरसाइजेस होते हैं ना उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। और पहले भी मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करके मैंने दिखाया था कि सानवी को मैं कैसे घर पर कराती हूँ। तो ब्लोइंग पर एक सेपरेट बहुत सारे एक्टिविटीज़ है ब्लोइंग पर, बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है। तो उस पर मैं दूसरी कभी और वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं ये बता रही हूँ कि जो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होते हैं ना वो जो मैं उसमें जो टूल यूज़ करती हूँ और उसके थ्रू जो मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। तो इस है सेंसरी ब्रश जो कि सानवी को जब ऑटिज़म डायग्नोस नहीं हुआ था तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। जब सानवी को ऑटिज़म डायग्नोस नहीं हुआ था और उसका स्पीच डिले हो रहा था तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है ये बहुत इफेक्टिव होते हैं बच्चों की स्पीच में, तो मैंने ये लिया था और तब से मैं ये करा रही हूँ। बाद में ऑटिज़म डायग्नोस हुआ तो फिर वो थेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करने के लिए। तो यह है इलेक्ट्रिक टूथब्रश। ये भी ये इसलिए यूज़ होता है ना कि बेसिकली बच्चे को जो सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है ना उसको ये बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत सूदिंग बच्चों को लगता है इस तरह का ब्रश यूज़ करना। दूसरा है ये चुबिक ट्यूब। ये जो है ये दो तरह के आते हैं, एक जो आता है ये बिल्कुल प्लेन आता है, अगर किसी बच्चे को बस चू करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसे कोई सेंसरी इश्यूज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वो प्लेन वाला यूज़ कर, जो थेरेपिस्ट जो रिकमेंड करते हैं वो प्लेन वाला एक आता है, ये बिल्कुल इसी टाइप का होगा, बस यहाँ पर जो डॉट्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं ना उसमें वो डॉट्स नहीं बने रहते, वो बिल्कुल प्लेन रहता है। तो वो बच्चा अगर ठीक से चू नहीं करता है, मान लो कि खाना वो खा रहा है और स्वॉलो कर जा रहा है, वो चू नहीं कर पा रहा है, तो वो इसलिए थेरेपिस्ट वो वाला रिकमेंड करते हैं। बट ये जो ग्रीन वाला है ना ये बच्चे की ओवरऑल सेंसरी इंटीग्रेशन, टेक्टाइल इशूज़ और बच्चे की च्यूइंग ये सब पर ये काम करता है। और जैसे कि कुछ बच्चे बहुत तरह के साउंड्स निकालते रहते हैं हमेशा मुंह से टक टक टक, या कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते इस तरह से करते हैं या इस तरह से करते हैं, तो इस तरह के साउंड्स वो लगातार निकालते रहते हैं, तो उन्हें सेंसरी जो भी उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसको ये चुबिक ट्यूब यूज़ करने से वो बहुत उनको सूदिंग इफेक्ट एक मिलता है, ठीक है। और दूसरा है एक ये, और कुछ इस तरह के टूल्स आते हैं, ठीक है, इसे वी पेन बोलते हैं और ये अटैचमेंट है, ये दोनों इसके अटैचमेंट है। इस तरह के और भी अटैचमेंट आते हैं, आपके बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ये भी सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए ही है, इसको ये इसमें वाइब्रेटर भी है, इसको यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, और इधर साइड से इसको प्रेस करते हैं हल्का सा तो ये वाइब्रेट होता है, ठीक है, हल्का सा इसे क्लॉक वाइज में घुमाएंगे तो ये वाइब्रेट होता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने से ये बंद हो जाता है। इसमें आप देखोगे छोटे छोटे डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर के डॉट्स बने हुए हैं, इधर साइड थोड़े से बड़े हैं, इधर कुछ और है,
अलग अलग टाइप के टेक्सचर बने हुए हैं। ये भी बेसिकली बच्चे की सेंसरी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन के लिए होता है, टेक्सटाइल शिशु के लिए होता है। बहुत तरह के यहाँ पर डॉट्स बने हुए हैं डिफरेंट टाइप के। इसको क्या करना है, बच्चे के माउथ में डालकर उसको पूरे जो गम्स हैं उस पर रोल करना है, इस तरह से गम्स पर, लिप पर, यहाँ पर, इस तरह से। और इस तरह के टूल्स से ना आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये बच्चे की स्पीच पर भी काम करता है, सेंसरी इंटीग्रेशन पर भी काम करता है, टैक्टाइल शिशु पर भी काम करता है, और ये बच्चे की सकिंग जो होता है ना, जो बच्चे सक नहीं कर पाते हैं उसके लिए भी है, ब्लो नहीं कर पाते हैं उसके लिए भी, सिपिंग नहीं है उसमें भी, ये ओवरऑल ये सब चीज़ों पर हेल्प करता है। दूसरा है ये वाला, इस पे आप देखो, इस पे लिखा हुआ है टॉप टिप। बट ऐसे थेरेपिस्ट या फिर बोलचाल की भाषा में इसे टंग इलेवेशन टूल बोलते हैं। मतलब ये जो बच्चा, ये जो टंग है हमारा, इसको बच्चा पैलेट पर टच नहीं कर पाता है। कुछ बच्चे टंग को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, टंग को साइड में लाने के लिए ये हेल्प करती है। इसमें क्या करना है, ये वाला जो आपको होल दिख रहा है ना, इसमें टंग को इस तरह से इसमें लॉक करना है, और फिर बच्चे की टंग को इसमें लॉक करना है, और फिर उसको पैलेट तक लेकर जाना है, या फिर जहाँ बच्चा मूव नहीं कर पाता है टंग को, इसके हेल्प से उसे करवाना है। और इसमें भी टंग को फिक्स करके आप बच्चे को लाइक इस तरह की ओवरऑल जो टंग की मूवमेंट है वो हम इसके थ्रू करवाते हैं। बाकी ओरल मोटर एक्सरसाइजेज में ना ज़्यादातर हम बच्चे की सेंसरी और बच्चे की जो ब्लोइंग है और सिपिंग, ये सब पर काम करते हैं, ठीक है। तो जो ब्लोइंग के लिए जो एक्टिविटी है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ है, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी अच्छा सा। इसमें अगर मैं उनको ऐड करूंगी तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वीडियो में मेन मेरा फोकस था कि मैं इन टूल्स के बारे में बात कर सकूं, और ये सारे जो टूल्स मैं यूज़ करती हूँ ना सानवी पे, ये सारे थेरेपिस्ट ने रिकमेंड किए हैं जब सानवी बहुत छोटी थी, तब से मैं ये सब करा रही हूँ। और थोड़ा सा प्रोसेस है ये, तो स्लो होता ही, आपको पता है हमारे बच्चों और हमारे बच्चों के बारे में। तो इन सब से जो मैं यूं ही ये सब खुद से ही नहीं कर रही हूँ, ये प्रॉपर थेरेपिस्ट के थ्रू रिकमेंड किए हुए टूल्स हैं जो कि मैं सानवी पर यूज़ करती हूँ। टूथपेस्ट के लिए मैं ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ सानवी पर, बहुत ही एकदम पी साइज से भी थोड़ा सा टूथपेस्ट यूज़ करने से ये हो जाता है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो देके सानवी के ऊपर दिखा देती हूँ कि मैं कैसे उसके ऊपर ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। कम कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो कैमरा है, ठीक है, ये है ब्रश। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने बहुत पहले अमेजोन से लिया था, पता नहीं अभी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, बट मैं देखती हूँ। बहुत थोड़ा सा लेना है क्योंकि सानवी के मैंने बताई अभी क्योंकि मैंने बताया आपको कि सानवी का जो ब्लोइंग है और सिपिंग है और स्पिटिंग है वो सब अभी नहीं आया है, तो ये जो है इसको वो स्वॉलो कर जाएगी। तो आपको 0 to 6 months के जो टूथपेस्ट आते हैं वही यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो, और बहुत कम, बहुत ही थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा देखो बहुत थोड़ा सा मैंने लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको हल्का सा वेट करके ये देखो, वेरी गुड। एक सेकेंड, ऊपर इसको अच्छे से पैलेट पर भी क्लीन करेंगे। ये देखो इस तरह से ब्रश करने से देखो टंग की मूवमेंट भी हो रही है। एक मुंह बंद करो, गुड, मुंह बंद करना। अच्छा, टंग बाहर निकालो, टंग क्लीन करना, यस। मैं ये सारे वन बाय वन नहीं कराती हूँ तुरंत रोज दिन,
ये तो सानवी का भी रूटीन बना हुआ है, मॉर्निंग में ब्रश करना है। यूट्यूब में बाद में कराती हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही थी, लाइन बाई लाइन करके दिखा रही हूँ। सानवी इसको चू करो बेटा, गुड, और अच्छे से, यस, और इस अटैचमेंट को बस इस तरह से इसमें लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं वेट कर लेती हूँ, और इधर से पीछे से एंटी क्लॉक वाइज इसे घुमाना है, तो ये हल्का सा इसमें वाइब्रेट करेगा। इधर आओ, चलो अब इसको नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से पूरे क्या खुद से करना है काया? इधर तो कैमरा में तो तुम हो ही नहीं, कैमरा में देखना है ना। अच्छा लो खुद से करो, ये लो खुद से करो, करो खुद से करो, करो करो, ये वेरी गुड, ये और करो, और करो, ये ये उधर साइड, इधर साइड, इधर साइड करो, इधर साइड, इधर साइड, इधर साइड, खुद से करो, हो गया। इधर ये बहुत बच्चों की जो सेंसरी है ना, इसे बहुत काम करती है, बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है ये बच्चों को। जिन बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन होता है ना, उनको ये बहुत, मतलब उनके लिए ओवरऑल ठीक है, स्पीच नहीं भी आया ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह बाहर के लिप पर भी इस तरह से हम ये इधर, कुछ नहीं कुछ नहीं, कैमरे के सामने थोड़ा सा सानवी अनकंफर्टेबल हो रही है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। इधर आ सानवी, कम कम कम, चल इसमें इसमें टंग को ये करना है, चलो हाँ वन मोर टाइम, आओ हाँ हाँ वन मोर टाइम, दो, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो गया हो गया। इसे मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, इसको इस तरह से लॉक करना है, ओके चलो चलो ठीक है, एक बार करके दिखा दो, नो अच्छा मम्मा किसी दो किसी दो, कम 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 किसी, आई लव यू, आई लव यू, नहीं करना, ओके। तो फ्रेंड्स इसको बस आपको टंग में इस तरह से लगाना है, और इस तरह पैलेट पर टच करना है इस तरह से, ओके ओके, चलो 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 चलो, इसको रख दूं मैं अच्छे से,